तो जैसे मैंने कहा था कि नवरात्रि का सीज़न है और नवरात्रि के गाने बैक टू बैक आ रहे हैं, तो इस लाइन में सबसे लेटेस्ट है आरकेवी यानी कि राहुल वैद्य का गरबे की रात, जिसके अंदर उनके साथ में निया शर्मा फीचर कर रही है। एंड आई मस्ट से कि भाई ये मेरे लिए तो एकदम सरप्राइजिंग था, बिकॉज़ ये गाना इज़ टोटली 100% ओरिजिनल। इसमें अपार्ट फ्रॉम द नवरात्रि फील, ये गाने का एक खुद का ही फ्लेवर है, और जिस तरीके से राहुल वैद्य ने गाया है यार, उसने रैप भी किया है, और क्या रैप किया है। एक्चुअल रैपर्स भी ये सोचेंगे भाई ये इतना टाइम किधर था, और जहाँ पे लोग गेस्ट रैपर्स को लेके आते हैं, राहुल वैद्य ने खुद ही ये रैप बना दिया है, क्योंकि अपेरेंटली लिरिक्स ये कहते हैं कि भाई जो रैपर्स हैं वो ज़्यादा पैसा मांगते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा लिरिसिस्ट का जो था ये स्टेप था कि भाई ये बात को इन लिरिक्स लिख के बताओ कि राहुल वैद्य रैप क्यों कर रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़, मतलब इंस्टेंटली आप नोटिस करते हो ये बात को, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कॉम्पोजिशन है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, मतलब जो जिस तरीके से राहुल वैद्य के वोकल से, वो तो ऑफकोर्स उमदा ही, मगर जो फ्लो में ये गाना जाता है इंक्लूडिंग द रीजनल लिरिक्स, तो हिंदी और गुजराती लिरिक्स का एक मिक्सचर है इसके अंदर, और एकदम जब गुजराती वर्जन आता है वो एकदम ऑथेंटिक लगता है, और जब हिंदी वर्जन में वो चेंज होता है तो एकदम ऐसा लगता है कि भाई एक मैशअप चल रहा है दोनों का। तो ये बात भी इस गाने की बहुत पसंद आई मुझे। एंड ये गाने की शेल्फ लाइफ ज़्यादा लंबी रहेगी, बिकॉज़ इट इज़ अ ओरिजिनल कॉम्पोजिशन, और कुछ अलग किया है आरकेबी ने। एंड इवन जो पूरा का पूरा सेट्स है, पूरी सिनेमाटोग्राफी है, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ऑल इन ऑल ये वीडियो और इसका जो ऑडियो है दोनों, वो एक बहुत बड़े विनर है राहुल वैद्य के लिए। तो दोस्तों राहुल वैद्य को तो सब पैन इंडिया लेवल पे जानते ही हैं, क्योंकि वो इंडियन आइडल के पार्टिसिपेंट रह चुके हैं, लेकिन बिग बॉस में आने के कारण उनकी फ़ैन फॉलोइंग और इंक्रीज़ हो गई है, और ये गाने से ऑफकोर्स उनका जो सिंगिंग के फॉलोअर्स हैं उनके, नॉट द पर्सनैलिटी, सिंगिंग के फॉलोअर्स, वो भी और इंक्रीज़ होंगे एज़ कम्पेयर टू इससे पहले जो उनके थे। एंड दिस इज़ अगेन आई एम सेइंग कि इट इज़ अ वेरी गुड सॉन्ग, सुन के बहुत मज़ा आया, मतलब मुझे तो अनएक्सपेक्टेड था। आई वॉज ऑल्सो, मतलब मैं उसी धुन में था कि भाई चलो ठीक है, ये भी एक गरबा की ट्यून में या डांडिया की ट्यून में गाना जो है रहेगा, लेकिन जैसे कमरिया रिलीज़ हुआ था जैकी भगनानी का, जो आज तक लोग सुनते हैं, ये गरबे की रात को भी बहुत टाइम तक लोग सुनेंगे, हर नवरात्रि में ये गरबे की रात का जो है जिक्र होगा, वो भी राहुल वैद्य की। तो दोस्तों आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं आया तो डिसलाइक कीजिए, मगर इंटरेक्ट ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।